Hello everyone, very good afternoon guys, greetings to all and welcome to aspook.com. Sabhi ka swagat, sabhi ko namaskar, jitne bhi candidate connect ho chuke hain. So please ek bar confirm kijega that audio and video both are clear. Aap mujhe sabhi sun pa rahe hain, dekh pa rahe hain, everything is fine. So yes guys, sabse pehle to aap sabhi ko happy independence day. Bahut 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 shubhkamnaen swatantrata divas ki. So kaise hain sabhi, baki प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक है, सो फाइनली आज 15 अगस्त भी हो गया और अब आपके पास 15 दिन अगस्त के हैं, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर. तो हार्डली जो रह जाते हैं आप, ये मान करके चलिए कि आपके पास कुछ अराउंड 55 डेज के आसपास है एग्जाम के, एसएससी जेई के लिए. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन पूरे अपने समय का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की. और दोस्तों आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा भंडारा है, एक पिटारा है. और बाकी ये जितने भी सेशन हैं सभी की जो पीडीएफ है आप सभी को मालूम है, मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर. तो जितने लोगों ने अभी भी जुड़े हुए नहीं है तो सभी को बोल दो कि यस गाइस इस पे जरूर जुड़ जाइएगा. हम लोग जितने भी लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं सभी की पीडीएफ यहीं पर अपडेट हो जाती है. तो अभी तक जितने लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो यहाँ पर जल्दी से ज्वाइन कर ले फटाफट. ठीक है, सारे पोल्स क्विजेस पीडीएफ अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा. और डेली आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मास्टर क्लास में. डेली मास्टर क्लास होती है हमारी, याद रखिएगा 3 PM पर. जी हाँ, ये टेस्टबुक एप्लीकेशन पर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बस आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, और जो जी हाँ दोस्तों, इस समय चल रहा है आजादी दिन टेस्टबुक सुपर कोचिंग पर और आज है आखिरी दिन. तो बिल्कुल आज के पास आखिरी मौका है. और अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक मैं बेहतरीन कोर्स अपनी प्रिपरेशन के लिए एनरोल करूं और साथ में बहुत ही कम प्राइसेस में उसको पालूं, तो बिल्कुल आप 90% डिस्काउंट और साथ में 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आज सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं. और जो कूपन कोड लगा सकते हैं वो है SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं हम लोग आज के सेशन का. और ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा. यस गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत, विकी, धर्मेंद्र, सुनैना, सुमन, दीपक. पूछा गया है कि IHCI इज अ हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द विच कंट्री. तो आज के समय में अगर आप पूरे विश्व में उठा करके देखें तो जो हाइपर टेंशन के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं. और पूरे विश्व में लोगों की जो डेथ रेशियो है हार्ट अटैक आने की वजह से, अधिक चिंता करने की वजह से, वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों. ठीक है, तो इसका जो लेवल है लगातार पूरे विश्व भर में इंक्रीज हो रहा है. भारत में भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो डेथ है उसका सबसे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन. ठीक है, और खासतौर से युवाओं में भी अब इस समय ये प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज अ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए अगला सवाल. हम लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात करें अपडेट की, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल की. कौन सा है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल. तो यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है जो इसको पास किया हुआ. ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? और ये आता है आपके, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगा. याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ. आयुब की बी नहीं होगा इसका. ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्त, इसका दोबारा से करेक्ट कर लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही जाएगा. ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ही जाने वाला है. सो प्लीज इसमें ए को ही हम लोग लेकर के जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ए ही करेक्ट होगा. और ये मे बी शायद कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, बी एस का रॉन्ग है दोस्तों. ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए अगला सवाल. सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, यस यस, हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में दिया हुआ ऑप्शन सही माना गया. अदरवाइज आप लोग जब एग्जाम में हम बात करते हैं तो ऑप्शन इंग्लिश का दिया हुआ सही माना जाता है. ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास में पहली बार ऐसा हो चुका है कि ऑप्शन जो हिंदी में दिया गया उसको सही मान लिया गया. पूछा गया दोस्तों, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? विच वन इज राइट? नहीं, करंट अफेयर्स नहीं है आज, सब कुछ होगा. आप याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन मिलेगा,
तो सब कुछ होने वाला है, सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा और आप किस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं, और यहां पर हम लोग जो टिक करने वाले होंगे दोस्तों, दैट इज अ ऑप्शन, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, सेबी की हम लोग बात कर रहे हैं। सेबी, आई होप कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, हमारे देश का जो म्यूचुअल फंड है उसको रेगुलेट करता है, साथ ही में जो आपका कैपिटल मार्केट है या फिर आप बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, तो ये सारी जो फील्ड होती है ये सभी सेबी के अंडर आती है। सेबी एक स्टैचुअरी संस्था है, याद रखिएगा, एक स्टैचुअरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1992 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, वो कहां पर लोकेटेड है, मुंबई में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्केल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है रिसेंट में सरकार के द्वारा, और ये जो स्केल एप्लीकेशन है वो किस सेक्टर्स के लिए है, विच वन इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अ लेदर। तो याद रखिएगा, इस समय सरकार के द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक स्केल ऐप लॉन्च किया गया है, और ये जो स्केल एप्लीकेशन है ये लेदर सेक्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, लेदर सेक्टर से। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड रोज डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रोज डे के बारे में जरा बताइएगा। ठीक है, विश्व गुलाब दिवस। ठीक है, तो वैसे तो आप फरवरी का भी एक महीना मनाते हैं, फेब में एक दिन खास होता है यार, जब गुलाब की कीमतें एकदम आसमान छू रही होती हैं, गुलाब टमाटर से भी महंगा हो चुका होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, इसमें से हम लोग जो टिक करने जाएंगे दैट इज द ऑप्शन, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। तो जो 20, याद रखिएगा कौन सा है, सी आंसर इसका सही है। यहां पर बार बार मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं कुछ भी, तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 22 सितंबर दोस्तों। ठीक है, 22 सितंबर, 22 नहीं, 20 सितंबर इज द राइट आंसर। ये आपका रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश वाला ये रॉन्ग है। अगला सवाल देखिएगा जरा, पूछा जा रहा है कि इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो अभी आपने पढ़ा हुआ था कि हम लोग बात कर रहे थे हाइपर टेंशन के बारे में, ऑलरेडी आपने देखा था कि इंडिया इसके बारे में काफी कुछ इनिशिएटिव उठा रहा है इसको बेहतर करने के लिए। तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर टिक करने जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 2017, 18, 19, 20 में या 17 में, और इसमें से जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2017 इज करेक्ट। ठीक है, 2017 इज राइट। अगले सवाल को देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पूछा जा रहा है कि कन्वर्जेंस पोर्टल हैज बीन ज्वाइंटली लॉन्च बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग टू मिनिस्ट्रीज। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो मंत्रालय हैं। ठीक है, हाँ, 22 सितंबर को रोज, बिल्कुल रोज डे होता है, वही 22 सितंबर ही है, 20 सितंबर नहीं है, 20 सितंबर जो हिंदी वाला है उसमें रॉन्ग था, इसलिए ऑप्शन सी उसमें करेक्ट आंसर था। ठीक है, 22 सितंबर। तो कौन से ऐसे दो मंत्रालय हैं जिनके द्वारा ज्वाइंटली कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज अ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विल बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य जहां पर पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश या गुजरात। दोस्तों जो एसएससी जेई के एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा बार बार, करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करिएगा। करंट अफेयर आप सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, और अगर आपने करंट अफेयर को मतलब सीरियसली नहीं लिया, आप करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने लिए लॉस करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से जो हम लोग सही आंसर करने जाएंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अ गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए करंट अफेयर के बाद अभी जस्ट हम लोग जीए के क्वेश्चन भी करेंगे, सो डोंट वरी। पूछा गया है कि एक एल्विस अली हजारी का जो उत्तर पूर्व भारत से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले तैराक बने हैं, ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करते हैं। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल 100% पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो ये आसाम से है, मणिपुर से है, अरुणाचल प्रदेश से या त्रिपुरा से, और याद रखिएगा ये दोस्तों बिलोंग करते हैं कहां से, आपके आसाम से, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड जो अलजमायु ये जो डे होता है, दिवस होता है, हम लोग कब मनाते हैं? 19 सितंबर, 21, 22 या 23? और ये ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। तो 22 को अभी आपने पढ़ा था कि रोज डे है ना, और 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जमाइमर डे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के सीएम के द्वारा एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि ये राज्य सरकार के जो भी स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, उससे जुड़े हुए जानकारी प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम है सीएम द हैसी। सीएम द हैसी जरा बताइएगा कि ये निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। और इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मणिपुर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि दोस्तों इसका आविष्कार, स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार है, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, डेविड बुशनेल है, जेम्स वॉट्स है, जेम्स हैरिसन है या फिर रेने लेनेक्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपके स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था? और ये जो आविष्कार किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? रेने लेनेक इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस उमेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अगला सवाल देखिए, 1857 का विद्रोह हमने बहुत पढ़ा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा है। इसके जो भी कॉजेस थे, कारण आपने पढ़े, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, एनफील्ड राइफल का कारण, ठीक है, इकोनॉमिक कारण। फिर इसका जो भी आउटकम हुआ वो भी आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया गया, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसके फेल्योर की कॉजेस भी आपने देख लिए, इसके आपने लोकेशन पढ़े हैं। ठीक है, और आपने इसके जो भी लीडर वगैरह है वो भी देखे हैं कि दिल्ली से लीडर कौन था, लखनऊ से लीडर कौन था, बिहार से, कानपुर से लीडर कौन था। अब इसमें ये पूछा गया है कि ये जो किताब लिखी गई है जिसका नाम है लास्ट मुगल, ये किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ करंट अफेयर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, सो दिस बुक रोड बाय, याद रखिएगा, विलियम डेल रिंपल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो किताब लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम डेल रिंपल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द सीजन। कई बार ये भी पूछता है कि 1857 के समय में जो आपका विद्रोह हुआ था, तो कौन सा कवि था जो 1857 के विद्रोह का विटनेस था? ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लोग बहुत प्रसिद्ध कवि पढ़ते हैं, गालिब, जो कि 1857 के विद्रोह के विटनेस थे। और जब 1857 की बात करते हैं तो उसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसके द्वारा बोला गया था? वीडी सावर का। तो वो किताबें भी पूछी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर पूछा गया, व्हाट इज द सीजन ड्यूरिंग द समर सोलस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों इसके लिए आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए? ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हम लोग बीच में बना देते हैं किसको? सूर्य को। तो ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, मन की आंखों से देखिए जरा। और इसके बाद बाकी जो है आप किसको बना देते हैं? तो ये हो गया आपका अर्थ यहां पर, और ये हो गया अर्थ यहां पर। तो यहां पर विंटर ले लीजिए, विंटर सोल्स्टिस, और यहां पर ले लीजिए समर। समर की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपको लगता होगा कि 21 जून को ले लेते हैं समर, है ना, और 22 दिसंबर को ले लेते हैं दोस्तों विंटर। तो जब समर सोल्स्टिस की बात करोगे तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न। तो नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा? आई होप कि आपको मालूम होगा। तो क्लियर सी बात है कि नॉर्दर्न की अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो समर ही होगा, और साउदर्न में अगर आप बात करने जाओगे तो दोस्तों क्या होगा? विंटर होगा। तो क्या आप इसका आंसर क्लियर कर पा रहे हैं सभी लोग? यस, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आई होप कि सभी समझ पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज द ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और ये जो आपका ऑटम है और स्प्रिंग है, ये वाला टाइम है। ठीक है, ये वाला टाइम है। तो आप इसमें सितंबर को पढ़ने जाएंगे, है ना, और इसमें आप मार्च को पढ़ने जाएंगे। तो 21 सितंबर, है ना, और ये 23 मार्च, ये याद रखिएगा, ऑटम और कौन से आ जाएंगे? स्प्रिंग आ जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल में चलेंगे दोस्तों। पूछ रहा है कि व्हाट इज द सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी, तो हम लोग शांति का सागर क्या, व्हाट इज द सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी, इसके बारे में जरा बताइएगा, विच वन इज राइट।
और दोस्तों जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, सभी जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेशन को फटाफट एक बार लाइक और शेयर मार दीजिए, सो दैट बाकी के लोग भी जुड़ पाएंगे। यस पायस जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसका है, पार्ट ऑफ द मून, ठीक है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग पृथ्वी से बात करने जाएं दोस्तों, ठीक है, तो आप पृथ्वी से जो चंद्रमा है उसका सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट भाग ही देख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करने जाएं दोस्तों, तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। बाकी जो रिमेन पार्ट है जिसको हम लोग पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। और ये खासतौर से जो पार्ट है वो कौन सा है, साउदर्न पार्ट। तो जो चंद्रमा का साउदर्न पार्ट है वो इजिली एक्सेस नहीं है, इतनी आसानी से नहीं देखा जा रहा है, इसी वजह से उसको हम लोगों ने नाम दिया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। और साउदर्न पार्ट को ही एक्सप्लोर करने के लिए इस समय हमारा जो इसरो है वो चंद्रयान अपने प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था, टर्म ट्विन डेफिसिट इन एन इकोनॉमी मीन्स। तो इकोनॉमी अगर अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करने जाएं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ट्विन डेफिसिट। इससे आप क्या मतलब समझते हैं, डेफिसिट का तो मतलब बहुत क्लियर सी बात है कि डेफिसिट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो लॉस की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या है, इसका मतलब है दो तरीके से घाटे हो रहे होंगे, और वो कौन कौन से इसमें काउंट हो जाएंगे। तो ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है दोस्तों कि एक तो आपका किसमें घाटा हो रहा हो, ठीक है, याद रखिएगा, करंट अकाउंट में, दूसरा फिस्कल डेफिसिट। तो आप सभी जानते हैं कि करंट अकाउंट का मतलब क्लियर सी बात है कि दोस्तों आपका जो एक्सपोर्ट होगा वो लेस होगा किसके कंपेयर में, इंपोर्ट के कंपेयर में, तो इंपोर्ट हाई होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। क्लियर सी बात है, अगर कि ऐसी स्थिति बन रही होगी कि एक्सपोर्ट कैसा होगा, लेस होगा, और इंपोर्ट लेस होगा, तो दोस्तों इंपोर्ट हाई होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि मोर मनी डेबिटेड फ्रॉम योर करंट अकाउंट एंड लेस मनी क्रेडिटेड इनटू करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट। तो आई होप कि बहुत क्लियर सी बात है कि जब सरकार के जो एक्सपेंस होते हैं वो हाई हो जाते हैं किसके कंपेयर में, रेवेन्यू के कंपेयर में, तो उसको आप क्या बोलते हो, फिस्कल डेफिसिट बोलते हो दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटका का है, जरा बताइएगा कि कर्नाटका का लोक नृत्य कौन सा होगा, और इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे। लावनी हो जाएगा, डोलू पुनीथा, मोन्यो असो और अकेरी डांस, विच वन इज राइट, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डोलू कुनीथा इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। कर्नाटका में जो आप पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक है यक्षगान जो सबसे ज्यादा आप पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा याद रखिएगा डोलू कुनीथा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय केंद्रीय मंत्रियों के भुगतान वेतन को निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है। तो किसी भी मंत्री का पेमेंट कितना होगा, कितना उसको अलाउवेंस मिलेगा, कितना उसको, ठीक है, सारी चीजें मिलने वाली होंगी, टीएडीए, वो कौन निर्धारित करेगा, कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या ब्यूरोक्रेट। और इसको जो डिसाइड किए गए हैं दोस्तों, ठीक है, इसको जो डिसाइड किए जाते हैं दैट इज बाय द पार्लियामेंट। तो आपको मालूम है कि जो भी वेतन है, भत्ते हैं, टीएडीए हैं, ये सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार हमारे किसमें है, पार्लियामेंट के पास है, जो कि आपके आर्टिकल 79 में परिभाषित है, आपने पढ़े हैं। और इसके तीन अंग होते हैं जिसमें राज्यसभा है, लोकसभा है, और कौन सा है दोस्तों, राष्ट्रपति है, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, इसकी स्थापना बता दीजिएगा, दूसरा वोटर्स डे बता दीजिएगा कि वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, और प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए आर्टिकल भी याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, और इससे जुड़ा हुआ पार्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। यस, सभी लोग जो भी जुड़ते चले जा रहे हैं गाइस, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले जाएं, तो रुकना नहीं चाहिए, कम से कम 100 का टारगेट तो अभी हो जाना चाहिए, ठीक है, फटाफट एक बार लाइक शेयर मार दीजिए सेशन को। देखिए सबसे पहले जो थे इनका नाम क्या था, दैट इज द सुकुमार सेन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो आपको मालूम है राजीव कुमार, वर्तमान में जो है ये नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, और ये जो 25 जनवरी है इसको आप ऑब्जर्व करते हैं वोटर्स डे। आर्टिकल कौन सा है, तो आपको मालूम है 324 है, और जब हम लोग पार्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पार्ट कौन सा है, सभी को मालूम है कि 15th है। सो आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर है ना। यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, बाकी आप याद रखिएगा, एक अनूप गोयल है, एक अनूपचंद पांडे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक अरुण गोयल और अनूपचंद पांडे जो आपके
अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वर्तमान में, तो राजीव कुमार, अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया गया था? सो विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज नॉट बाई बिल्ट बाई द शाहजहां, विच वन इज राइट? तो इसमें से कौन सा है जिसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया? शाहजहां का टाइम पीरियड आप सभी जानते हैं कि शाहजहां का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते हैं 1600 सॉरी जी हाँ 1628 से लेकर के 1658 तक हम लोग देखते हैं ना, यही टाइम पीरियड है शाहजहां का। और इसको गोल्डन एज माना जाता है, गोल्डन इरा माना जाता है किसका? आर्किटेक्चर का। तो अगर हम लोग निर्माण कला की बात करने जाएं तो गोल्डन इरा था ये, ठीक है, गोल्डन इरा था। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज अ बुलंद दरवाजा, और बुलंद दरवाजा जो था बिल्ट बाई अकबर, इसका जो निर्माण किया गया वो अकबर के द्वारा किया गया, और वो भी गुजरात विक्ट्री की याद में किया गया था। और कहाँ पर लोकेटेड है तो आपको मालूम है कि ये फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आई होप कि ये सभी को जरूर क्लियर होगी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं थी दोस्त, ये उमेश है ना, शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था वो सासाराम का किला था, और सासाराम जो मकबरा है वो, और पुराना किला कह सकते हैं। तो शेरशाह सूरी ने पुराना किले का निर्माण किया, सासाराम का जो मकबरा है उसका निर्माण किया, जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया है, ठीक है। पूछा गया है कि सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग पार्टी। होम रूल लीग का एम जरा बताइएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और मद्रास के अलावा पूना में भी किसने स्थापना की थी? तो दो जगह पर ये स्थापित की गई थी, पूना में और मद्रास में, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेन मुख्य एम था वो क्या था, और दूसरा मद्रास से शुरू करने के बाद पूना से शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पूना में जो इसमें शुरू किया गया याद रखिएगा वो थे बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शुरू किया। और जब मद्रास से शुरू किया तो किसने किया? एनी बेसेंट ने, मद्रास से शुरू किया एनी बेसेंट ने। और इसका जो सबसे प्रमुख एम था वो क्या था? सेल्फ रूल, यानी कि दोस्तों स्वशासन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कौन सा था? स्वशासन, ठीक है। आई होप कि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ 100+ इतना तो इजीली कर ले जाएंगे, बस अच्छे से रिवीजन करते रहिए दोस्तों, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट, एनी बेसेंट। आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग इनकी बात करने जाएं तो ये आयरिश मूल की थी, ठीक है। भारत में कहां से आई थी? ये यूएसए से भारत में आई थी। किससे जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से, आपने पढ़ा होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसके फाउंडर एचपी ब्लavatsky थे, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में हुआ करता था, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1917 में ये आईएनसी के अध्यक्ष भी बनाई गई, और दूसरा आपने होम रूल लीग के बारे में पढ़ा कि 1916 में इसने शुरू किया था, कहां से? मद्रास से। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है इनकी दो किताबों के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कॉमन व्हील, और एक और है इनकी किताब जिसका नाम है कॉमन व्हील और न्यू इंडिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्याह्न का सूर्य कभी भी ऊपर नहीं चमकता, विच वन इज राइट? वन की थी सेकंड में नहीं, तो सेकंड तो बहुत लेट टाइम था, ठीक है, फर्स्ट को आप बात कर सकते हैं। बुक के नाम में बता देता हूं, कॉमन व्हील, और याद रखिएगा न्यू इंडिया, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं अब DFCCIL की हिस्ट्री के सेशन में, और ये आपका होने वाला है 6 PM पर, तो ये डेली होगा आपका 6 PM पर सेशन होगा। तो जो भी लोग DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे की हिस्ट्री के लिए मेरे साथ जुड़े, 10 नंबर का आता है ये। और बाकी आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं 11 AM पर DFCCIL के लिए, तो DFCCIL के दो सेशन, एक 11 AM और एक याद रखिएगा इवनिंग में 6 PM, ठीक है। और बाकी SSC JEE तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, जिसके लिए आप मेरे साथ लगातार जुड़ सकते हैं, और डेली 1 PM पर। और बाकी डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड SHIVKT टू गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट। तो आज दोस्तों आखिरी दिन है, आज जो भी एनरोल करना चाहता है तो बिल्कुल कर ले, और अभी देरी ना करें, क्योंकि अभी अगर टाइम निकल गया तो बिल्कुल फिर बहुत बड़ा लॉस होने वाला होगा, ठीक है। पूछा गया है टू मेजर ह्यूमिडिटी वी यूज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑपिशोमीटर है, लैक्टोमीटर है, साइक्रोमीटर है, या फिर प्लेनीमीटर है, विच वन इज राइट?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज अ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरियाणा में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। हरियाणा की बात हम लोग कर रहे हैं, हरियाणा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देशन में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ठीक है। तो अभी वैसे भी हरियाणा का एक एरिया है जो काफी न्यूज में है, नूह एरिया, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी वायलेंस होने की वजह से, दंगे होने की वजह से काफी न्यूज में चल रहा है हरियाणा का। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, दैट इज अ, याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्शन वन है इसका, ठीक है, हाँ, बादशाहपुर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। अंकोरवाट, अंकोरवाट को आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है ये, इसकी अगर बात की जाएगी तो इसको याद रखिएगा, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल। भारत में अगर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल की बात करोगे तो आप कौन सा पढ़ते हो, भारत में बृहदेश्वरा है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है बृहदेश्वरा, जो राज राजा चोला के द्वारा बनवाया गया था। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यस यस, इसमें से जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया में स्थित है ये। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है, दुनिया में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो पूछा गया है दोस्तों कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन आज के समय में आपने देखा होगा एक बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है इस समय, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, सीवेज एंड गार्बेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, या फिर हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों सीवेज एंड गार्बेज, मल और कचरा। तो आपको मालूम है कि 1000 टन की क्वांटिटी में रोज गार्बेज निकलता है, बहुत सारा गार्बेज तो सीधी नदियों में पहुंच जाता है, नदियों से समुद्रों में पहुंचता है, प्लास्टिक लगातार बढ़ती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन थ्री इज राइट, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है, कोलेरू जो माइन है ये निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो केजीएफ तो आपने देखी होगी, रॉकी भाई, KGF 2 भी आ चुकी है, तो कोलेरू माइन की बात कर रहा है, जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट। कोल्लूर माइन की हम लोग बात कर रहे हैं, सोना होगा, कॉपर होगा, कोल होगा, या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन, ठीक है, कोल्लूर की खाई, ठीक है। नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ है यार, गोल्ड ही रहेगा ना इसका, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, कोलार गोल्ड फील्ड हम लोग बात करते हैं। तो ये तो ऑप्शन ए जाएगा ना इसका, हाँ ठीक है, सो दैट इज वन जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग भारत, म्यांमार और चीन की सीमाओं के त्रिसंगम पर स्थित है। भारत है, म्यांमार है और चाइना है, विच वन इज राइट। तो इसमें देखिए, नाथुला जिलेपला तो वैसे भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये जो नाथुला और जिलेपला हैं ये दोनों पड़ते हैं सिक्किम में, और ये सिक्किम में अगर पड़ते हैं तो ये आपको कनेक्ट करते हैं नेपाल से, आपको कनेक्ट करते हैं भूटान से, और आपको कनेक्ट करते हैं चाइना से। इनका म्यांमार से कोई लेना देना नहीं है, म्यांमार से जो लेना देना है, याद रखिएगा, वो किसका है, दीपू पास का या दिहांग जॉर्ज का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ इंदौर फ्रॉम विच रिवर। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि
कि अगर हम लोग इसकी बात करने जाएं कि सप्लाई ऑफ इंदौर, तो इंदौर इस समय मोस्ट क्लीन सिटी है भारत की, मोस्ट क्लीन सिटी लगातार आपने देखा होगा कि टॉप पोजीशन पर रह रही है, और इसको आप क्या भी बोलते हैं, वाटर सरप्लस सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग वाटर सरप्लस सिटी भी बोलते हैं इंदौर को। तो इसमें से सबसे बड़ा जो मेन स्रोत है वो कौन सा है और ये कौन सा है, नर्मदा रिवर, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सरस्वती पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। छिप्रा रिवर जो है ये आपको मालूम होगा, ये उज्जैन के किनारे पड़ती है। खान रिवर पढ़ते हैं लेकिन ये बहुत ही छोटी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इस इतने बड़े शहर को वाटर सप्लाई दे सके, और एक्चुअली में एक छोटे नाले में कन्वर्टेड हो गई, ठीक है, एक छोटे नाले में कन्वर्टेड हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन हो जाएगा। तो जरा बताइएगा, भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कोस्ट लाइन। तो जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट। आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं एलेक्स, लेकिन प्रयास हो सके तो जो पिछले लेक्चर्स पेंडिंग है उनको एक बार स्पीड में देख लीजिएगा, और उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है, वहां से एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप कि बहुत सिंपल सा है, हम लोग नौ राज्यों की बात कर रहे हैं। नौ राज्यों को एक बार काउंट करके भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा गुजरात, ठीक है, एक हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा हो जाएगा गोवा, और चौथा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, कर्नाटका, है ना, और पांचवा हो जाएगा कौन सा, केरला, और छठवा हो जाएगा आपका कौन सा, तमिलनाडु, और सातवा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आठवा हो जाएगा आपका उड़ीसा, और नौवे की अगर आप बात करने जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ये क्लियर है ना सभी को, एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप चाहो तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव भी डाल सकते हो, और इसमें पौडुचेरी भी डाल सकते हो, तो दो यूटीज भी शामिल कर सकते हो, ठीक है, दो यूटीज, दादर नगर हवेली, ठीक है, याद रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, और दूसरा कौन सा, पुडुचेरी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है, आपने पढ़ी होगी कि जो सबसे बड़ी तटरेखा है वो, याद रखिएगा, गुजरात की है, सबसे बड़ी है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट तटरेखा है वो, याद रखिएगा, वो किसकी है, गोवा की है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखने, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कूट नाम क्या था, इसका कोड नेम क्या रखा गया था दोस्तों। एसएससी में देखो यार, डीके पटेल ही आपके ऊपर निर्भर है, मैं तो कहता हूं कि 50 में 50 ले आओ, लेकिन पॉसिबल है नहीं। तो जीएस में ज्यादातर टारगेट लेकर के चलो, कम से कम एटलीस्ट 34-35 100% जरूर करो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से जो राइट आंसर आप टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आपको मालूम है कि सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, और हम लोग पोखरण टेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो हमारा पोखरण टेस्ट हुआ था। बॉलीवुड वालों ने ऑलरेडी एक मूवी भी बनाई थी परमाणु, अगर आपको याद हो, जॉन अब्राहम ने उसमें एक्टिंग भी की थी। तो हमारे बॉलीवुड वाले किसी पे भी मूवी बना लेते हैं, और इसका इन्होंने जो रखा था ये कौन सा था, स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा था ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग और ये ऑपरेशन शक्ति, ये याद रखिएगा, ये आपका सेकेंड पोखरण टेस्ट था, ये सेकेंड पोखरण टेस्ट था, और इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये हुआ था 1998 में अटल जी के समय। तो यहां पर अटल जी प्रधानमंत्री थे, और यहां पर अगर बात करने जाए तो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो पहले वाले जी का जो नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरे वाले का जो नाम रखा गया था वो कौन सा था, ऑपरेशन शक्ति। फिलहाल जो अभी वर्तमान के ऑपरेशन है, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, तो ये अभी जो वर्तमान में ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाए गए हैं, उनके नाम एक बार जरूर पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु पर आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है, ताऊस है, स्वर मंडल है, स्वर संवादिनी है, या फिर रबाब है, इसमें से करेक्ट आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे। सोलर सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है तो उसका ऑलरेडी पेड क्लासेस में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज अ संवादिनी, ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जरा बताइएगा कि भारत की कौन सी ऐसी लोकेशन है
जो लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें डिगबोई अगर आप जानते होंगे तो डिगबोई तो बहुत ही प्रसिद्ध लोकेशन है, जो प्रसिद्ध है किसके लिए, ऑयल के लिए, ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑयल के लिए है। और ये जो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों वो कौन सी है, नेवेली। कोई मुझे नेवेली की लोकेशन बता सकता है क्या, कि जो नेवेली है वो भारत के किस साउदर्न स्टेट में पड़ती है। नेवेली इज फाउंड इन विच साउदर्न स्टेट इन इंडिया, तो ये आपको कहां पर पड़ जाएगी नेवेली, आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, तमिलनाडु में पड़ेगी, केरल में पड़ेगी, जरा बताइए किस लोकेशन पर लोकेटेड है नेवेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले सवाल में हम लोग चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस स्टेट में पड़ता है आपका नेवेली, ठीक है, दैट इज फाउंड इन तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है, दैट इज फाउंड इन तमिलनाडु। और ये लिखा है डी के पटेल साहब ने, नेवेली मुंबई में, मुंबई में कब पहुंच गया यार नेवेली, मुंबई में है, मुंबई में कब पहुंच गया भाई साहब, मुंबई में तो पनवेल है ना, कर्जत है, मुंब्रा है, कल्याण है, ठाणे है, वासी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैथल जिले में पाया जाता है, विच वन इज राइट। कैथल की हम लोग बात कर रहे हैं, कैथल हरियाणा, बहुत प्रसिद्ध लोकेशन कैथल हरियाणा। अच्छा, कैथल हरियाणा पूछा जाता है डेथ से रिलेटेड किसकी, रजिया सुल्तान। तो आई होप कि अगर आपने पढ़ा हो, रजिया सुल्तान का जो भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, उसी ने इसकी हत्या कर दी थी 1240 एडी में, तो उसकी भी डेथ यहीं पर हुई थी। और ये प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ऑप्शन, यस थ्री इज द राइट आंसर, यानी कि गुरुद्वारा नीम साहिब भी है और सिख्स किसका, हाँ ये तैयब शेख का मकबरा भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूआईडी का फुल फॉर्म क्या है, यूआईडी। तो यूआईडी अगर आप आधार के बारे में जानते हैं तो यूआईडी का फुल फॉर्म तो मालूम ही होगा, विच वन इज राइट। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, यस सोनाली वेरी गुड आफ्टरनून, दैट इज अ यूनिक आईडी आइडेंटिटी, ठीक है, यूआईडीएआई, तो आपने पढ़ा होगा ना, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यस ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मैनहट्टन परियोजना से संबंधित है, तो अमंग द फॉलोइंग विच इज एसोसिएटेड विद द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, तो आपको मालूम है कि अल्फ्रेड नोबल साहब ये जो जुड़े हुए हैं वो आपके डायनामाइट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। दूसरे हैं आपके रॉबर्ट ओपनहेमर, ठीक है, और ओपनहाइमर, अभी हाल ही में इनके इनकी एक मूवी आ रही है इस पर, है ना, आपको मालूम है उस पर मूवी आई हुई है जो काफी बड़ी विवादों में भी रही, अल्बर्ट आइंस्टीन, या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज अ रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा, पूछा जा रहा है कि भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए नोबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, विच वन इज करेक्ट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हम लोग देखने जाएंगे, दैट इज अ ऑप्शन वन इज राइट, ठीक है, जेम्स पेबल इज द राइट आंसर, ठीक है, जेम्स पेबल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंडीज किस प्रकार के पहाड़ है, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो एंडीज मिलती हैं ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिलती है हमको, ये सबसे लॉन्गेस्ट आप पर्वत श्रृंखला इनको पढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला, और ये पाई जाती हैं, अगर हम लोग इनके स्थान की बात करने जाएं तो ये पाई जाती हैं आपके साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। और इनकी वैरायटी की अगर आप बात करने जाएं दोस्तों तो ये किस प्रकार की हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा दे आर द फोल्डेड माउंटेन पीक, ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। पूछा जा रहा है नीलगिरी पहाड़ियों में आमतौर पर पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां कौन सी हैं, सो नीलगिरी हिल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नीलगिरी हिल्स जो है इनमें कौन कौन से वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सॉल के, पाइन के, नीलगिरी के, या फिर सागौन के। क्लियर सी बात है दोस्तों कि नीलगिरी नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी के सबसे ज्यादा, यूकेलिप्टस के सबसे ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस कंपनी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में जाना जाता है, सो विच कंपनी एक्ट इज नोन एज द सेटलमेंट एक्ट, विच वन इज राइट। एक आप पढ़ते हो परमानेंट सेटलमेंट, एक आपने पढ़ा होगा रैयत वारी सिस्टम, और एक आपने पढ़ा होगा महल वारी सिस्टम, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं,
रैयत वारी सिस्टम, महल वारी सिस्टम और ये परमानेंट सेटलमेंट, और ये आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों किससे, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1781 इज द करेक्ट आंसर। और आपने पढ़ा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो आपके परमानेंट सेटलमेंट को लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ और इसके तहत बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और दूसरा जो है आपका कौन सा 1786, तो ये तो 1784, ये तो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये तो इम्प्रूवमेंट हुए थे। इसमें एक बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक आपने पढ़ा होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलिए, जरा पूछा जा रहा है कि अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज आर, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा बताइएगा कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। आपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपने देखा था कि जब हम लोग प्राइस है ना दोस्तों और क्वांटिटी डिमांड के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाता है और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम बोलते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि क्लियर सी बात है कि जब आपकी सप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा, समान हो जाए किसके, समान हो जाए क्वांटिटी डिमांड के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पूछा गया है कि द सोलर प्लैनेट दैट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर इज, तो वह सौर ग्रह कौन सा है जिसका एक दिन अपने वर्ष से अधिक समय का होता है, तो इसकी बात ही अलग है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है या सैटर्न है, तो यहीं पर चला जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसएससी वालों से बोल देंगे कि भाई साहब ठीक है ना, हमारे एग्जाम के 55 दिन बाकी है, तो और उनसे पेपर में भी लिखवा लेंगे स्टाम्प पेपर में कि 55 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, और उनसे लिखवा लेंगे कि अब आपको 55 दिनों बाद आना है और उसके बाद चले जाएंगे कहां पर, इसी ग्रह पर जहां पर एक दिन आपके कितने समय के बराबर होता है, 1 साल से अधिक, तो बढ़िया तैयारी करेंगे इतने साल तक, है ना, फिर वापस आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, वीनस इज द करेक्ट आंसर, जुपिटर नहीं है दोस्तों, है ना, वीनस इज द राइट आंसर, वीनस जिसको आप लुसिफर बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग लुसिफर बोलते हैं, इसको आपने हॉट प्लैनेट भी बोला है, इसको आपने सबसे ब्राइट प्लैनेट भी बोला है, ठीक है, और जीरो सैटेलाइट है ये आप जो अभी पढ़ते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा है कि दोस्तों इसका जो रोटेशन होता है अपनी ध्रुवी पर वो बिल्कुल उल्टा होता है और वो होता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश में पहली बार विकसित हुई, तो वैसे जाने लायक है भाई वीनस ग्रह पे, बढ़िया, अच्छे से क्या करिए, मेहनत करिए, पैसा वैसा इकट्ठा करिए और फिर उसके बाद निकल चलिए वीनस पर। हाँ, भोर का तारा, सांझ का तारा, आंख का तारा। संसदीय शासन प्रणाली किस देश में पहली बार विकसित हुई और ये हमने कहां से लिए थी, आपको मालूम है, ब्रिटेन, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान आप इसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो पार्लियामेंट जो सिस्टम है, बाइकैमरल जो सिस्टम है आपका, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस, ये सब कुछ हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर इसने हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करना है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को जो शपथ होता है वो कौन दिलाता है, रिस्पेक्ट टू स्टेट का गवर्नर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विच वन इज राइट, वापस क्यों आना भाई, हम लोग अलग से अपना डिपार्टमेंट वहां स्थापित करेंगे, है ना, वीनस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वहां पर भी एसएससी का और बैंक का बढ़िया एग्जाम कंडक्ट करेंगे, कोचिंग खोलेंगे अपन लोग, अपनी अपनी कोचिंग होगी बस।
और वहां से बना करके बेचेंगे पृथ्वी लोक के प्राणियों को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह ले सकता है, ठीक है, और जो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट उससे भी सलाह ले सकता है, गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डिपार्टमेंट आए, पढ़ाएंगे किसको वहां से, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कनेक्शन लेना पड़ेगा अपन को उसका, क्या बोलते हैं जो स्पेस एक्स है ना, तो आपके पास तो एलन मस्क भैया को बोलेंगे कि भैया कनेक्शन प्रोवाइड कर दो वहां पे, सैटेलाइट कनेक्शन, वहीं से पढ़ाएंगे। बढ़िया, ठीक है। देखिए जरा, तो इसमें आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट पढ़े होंगे जिसका नाम होगा दीवान ए, दीवान ए, आप पढ़ते हैं दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अमीर कोही, समझ में आ रहा है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए रसातल, ठीक है, और क्या क्या लिखते हैं हम लोग, दीवाने वजारत। तो ये कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जिसमें से आपने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पढ़ा होगा जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही, और दीवाने अर्ज लेकर के आया था बलवन। जी हाँ, ये वही राजा है जिसने पैबोस और सिजदा, ठीक है, नामक कस्टम को शुरू किया। तो सिजदा मतलब किसी के सामने सर झुकाना, और आज भी हमारे देश के लोग सर झुकाते हैं, यंग यूथ तो बहुत ही झुकाता है, वो बोलता है ना कि सिजदा करूं मैं तेरा, है ना, और या तुझमें रब दिखता है तो उस समय इंसान सिजदा करता है, ठीक है। तो बलवन ने ही शुरू किया था, आप बहुत सारे यूथ हैं जो इसके कस्टम को फॉलो करते हैं। और दूसरा, इसने एक और पॉलिसी लेकर के आया था, अगर आपको याद हो, नवरोज, नवरोज फेस्टिवल भी लेके आया था, अपने आप को इसने बोल दिया था जिल्ले इलाही, ठीक है, तो अपने आप को खुदा की परछाई बोल दिया था इसने, ठीक है, दिल जिल्ले इलाही। तो बाकी जो डिपार्टमेंट थे दीवाने अमीर को ही, वो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। दीवाने बंदगान अगर आप पढ़ने जाएं तो किसके समय था, फिरोज शाह तुगलक के समय था, ठीक है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अनुमति दी, ठीक है। तो दोस्तों एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत साथ में याद रखिएगा 1 लाख रुपए भी एलोकेट हुए फॉर एजुकेशन, लेकिन खर्च नहीं हुए। तो अंग्रेजों ने एक बहुत ही हिपोक्रेसी दिखाई। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत है कि अगर एलन मस्क को ले गए तो मार्क जुकरबर्ग भी आ जाएगा, फिर ये जितने भी बिलेनियर हैं वहीं पे आ जाएंगे वीनस में, और वहीं से अपना बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो अभी वीनस को, वीनस की बातों को थोड़ा साइड में रख दीजिए और पहले सेशन पे फोकस करिए। साथ में इन्होंने क्या किया था, एंड ऑफ, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसकी ट्रेड मोनोपोली एंड हो गई। अब तो आई होप कि आपको हिंट मिल गई होगी ना, और अभी भी अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर यार कुछ नहीं कह सकते। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी को मालूम है कि दैट इज अ ऑप्शन, यस, सेकेंड इज द राइट आंसर, चार्टेड एक्ट 1813, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज इज, तो अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, विच वन इज राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ वॉलेंट्री इन एक्टिविटी दोस्तों, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारे देश में हम सब लोगों को, गरीब देशों में जो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग नेशन है उसमें सबको एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा मजा आता है, ना कि विकास करने में। कोई विकास कार्य नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक दूसरे को नीचे खींचने का काम जरूर करेंगे, ठीक है। पूछा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन, तो प्रत्यक्षवाद का दर्शन विश्वास नहीं करता है। तो ये तो यार मैंने लगता है दर्शन का सवाल कहां से डाल दिया एसएससी जेई में। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज राइट। नहीं बनाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, मुझे भी ज्यादा इसमें समझ में नहीं आया,
पूछा गया कि द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज सेट टू हैव बिगन, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गौरी की डेथ के बाद, तो गौरी की डेथ हुई 1206 में, और मौत हो जाती है दोस्तों कब, आपको मालूम है 1206 में, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाता है कहां तक, 1226 AD तक दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दर्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं आते, सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, ISPCS नहीं हम लोग बनने जा रहे हैं, ठीक है। पूछा गया है कि एक शीताभद्र जो गुफाएं छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में किस किस महल में है या किस जिले में लोकेटेड है, तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जहां की रायपुर कैपिटल है, 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, और ये जो लोकेटेड है कहां पर, सूरगुजा में, दैट इज ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 1857 का जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले किस शहर से शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो ये हुआ था 29 मार्च 1857, और सबसे पहले शुरू हुआ था कहां से, बैरकपुर, आपको मालूम है बैरकपुर से सबसे पहले शुरू हुआ, फिर हुआ ये 10 मई को, 10 मई 1857, और फिर हुआ था आपको कहां से शुरू, मेरठ से। तो आई होप कि आंसर बहुत क्लियर है ना। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज अ ऑप्शन, यस 3 इज द राइट आंसर, मेरठ से ही शुरू हुआ था, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। और दिल्ली में कब पहुंचता है, 11 मई को, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है, तो फूड चेन से, फूड वेब से, जीवमंडल से, या फिर एनवायरमेंट से, विच वन इज राइट। बेटा कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, तो देखो यार अगर वैसे तो देखा जाए तो पढ़ना सब कुछ है ना, क्योंकि अगर मुझे सभी मेन टॉपिक पता होते ना तो मैं समय सभी से पैसे लेकर के पर्चियां बना रहा होता, या वो पर्ची में लिख देता हूँ सवाल और आपको दिखा रहा होता कि देखो यही लिखा है ना, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की जब लाइन लगाने जाएंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे सवाल मत पूछा करो इंजीनियर होकर के, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एसएससी वालों का अब कोई भरोसा नहीं है, जब से एसएससी में, याद रखिएगा, सीजीएल में Tier 2 जुड़ गया है जीएस का, तब से एसएससी वालों पर हमने यकीन करना बंद कर दिया है, आजकल एसएससी वाले कुछ भी पूछ ले रहे हैं, सो डोंट वरी गाइज, पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाना है, ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग ज्यूरिडिक्शंस पावर पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस पावर, ठीक है, एक आपने देखा होगा ज्यूरिडिक्शन पावर में एक ओरिजिनल है, दूसरा आपने पढ़ा होगा एक कौन सा एपलेट है, और फिर आपने पढ़ा होगा कौन सा एक एडवाइजरी है, एडवाइजरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1 इज राइट, आर्टिकल 131 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं, एसएससी वाले ये मान के चलते हैं कि भाई साहब इस पृथ्वी में जो कुछ भी कहीं भी कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ हमारे सिलेबस में आता है, तो सूर्य के नीचे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी रेंज में वो उससे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज अ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इसलिए मैं बोलता हूँ एसएससी वालों से, एसएससी जेई वालों से खास तौर से, कि दोस्त 34-35 सवाल बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करके आना है, और अगर आपने इतना कर डाला एसएससी जेई में तो सोचो कि काम हो गया आपका, है ना, ज्यादा परेशान मत रहिए, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये जो है आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा है, और फंडामेंटल राइट आपके 12 से लेकर के 35 तक हैं, यूएसए से लिए गए, दूसरा आपको नागरिकता से जुड़ा हुआ है, सिटीजनशिप से, और ये जो है आपका 11-5 से लेकर के 11 तक है, चौथा आपको मालूम है DPSP से जुड़ा हुआ है जो कि 36 से लेकर के 51 तक है, और पहला वाला जो है यूनियन एंड डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है आपका 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है, दूर संचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, दूर संचार नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, दूर संचार नीति ठीक
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है, 2012। भाई स्मृति ईरानी से क्यों ही सवाल बनेगा, सवाल आपके राहुल गांधी से भी बन सकता है, पता चला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछ लिया, कहां से शुरू हुई थी कहां खत्म हुई, पीएससी का कोई भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोंकण रेलवे परियोजना का चौथा राज्य है? और आपको मालूम है कि जो कोंकण रेलवे है वो आपकी किसमें इंक्लूडेड है, सो इट इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज लाइन, तो यूनेस्को हेरिटेज लाइन में भी इसको डाला गया है कोंकण को। कोंकण है, दार्जिलिंग है और कालका शिमला। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो आपने ब्रह्मो समाज पढ़ी होगी, ब्रह्मो समाज नहीं पढ़ी है तो आत्मी सभा पढ़ी होगी, आत्मी सभा इसका पुराना नाम आत्मी सभा था और फिर इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, साथ ही में सती कस्टम सती प्रथा के लिए भी ये लड़े और कानून बनवाया इन्होंने उसके खिलाफ में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज राजा राममोहन राय। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इबादत खाना जो कि एक बैठक घर है किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, इसकी लोकेशन जरूर बता दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन या एस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर बता सकें तो और बेहतर हो जाएगा। तो इबादत खाना आपने पढ़ा था, एक हॉल ऑफ प्रेयर था जो बाद में एक डिस्कशन डिबेट हॉल के तौर पर तरह पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन है याद रखिएगा वो है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में आपको मिल जाएगा। अब फतेहपुर सीकरी में जितने भी निर्माण है वो सब अकबर के होंगे, ठीक है, जितने भी निर्माण है अकबर के, और इसको बनवाया गया था 1575 में। तो एक आप कह सकते हैं डिस्कशन या डिबेट हॉल हुआ करता था जिसमें सबसे पहले तो सिर्फ मुस्लिम्स ही अलाउड थे, बाद में अकबर ने सभी धर्मों में प्रॉपर रुचि लेना शुरू किया और अकबर ने सभी रिलीजन के गुरुओं को इन्वाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन जब डिबेट होती तो डिबेट बहुत बढ़ जाती है ना, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती गुरु जितने भी धर्म गुरुओं थे। तो अकबर ने बाद में इस डिबेट को बंद करवाया और अपना खुद का रिलीजन लॉन्च किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो याद रखिएगा अकबर बाद में खुद का भी एक धर्म लेकर के आ जाता है, दीन ए इलाही। पूछा गया केसरी वॉज, केसरी क्या था, एक न्यूज़पेपर था तिलक के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया एक मराठी न्यूज़पेपर था, विच वन इज राइट। केसरी और मराठा आपने दो चीजें पढ़ी होंगी दोस्तों, तो एक ये मराठी न्यूज़पेपर था और ये किसके द्वारा लिखा गया था, बाई बीजी तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी में लिखा और मराठा इंग्लिश में लिखा। उनकी एक और किताब थी आपने पढ़ा होगा गीता रहस्य, उन्होंने आर्कटिक थ्योरी भी दी, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, 6 साल उन्होंने अंडमान निकोबार की सेलुरल जेल में भी बिताए। अगला सवाल है भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग पहली बार किस ब्रिटिश अधिनियम में किया गया था, विच वन इज राइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, इसमें से जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन 3 इज राइट, क्विट्स इंडिया एक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कानपुर शहर का नाम किसने रखा था, कार्तिकेय, कंसा, कृष्णा, विच वन इज करेक्ट। अब ये सवाल तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लग रहा है ना आउट ऑफ सिलेबस सवाल ही, लेकिन दिक्कत यही है कि इसकी शिकायत करें तो करें किससे, है ना, दुख बताएं तो बताएं किससे, रोएं तो रोएं किसके सामने, किसके सामने अपना दर्द दुख दर्द पीड़ा सब रखा जाए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम का, उसमें कौन सा हैबिटेट पाया जाता है, विच वन इज राइट। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, सिनू लेपर्ड मिल जाएंगे आपको हिमाचल प्रदेश में, एशियाटिक लायन मिल जाएंगे गिर गुजरात में, और स्वाम्प डियर मिल जाएंगे खास तौर से आपको कहां पर, बारहसिंगे मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, ये था आज का सेशन और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन कर लेते हैं कंक्लूड। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल जी हाँ, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, और बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था।
इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज एट द रेट सुसर टेक्स्टबुक। अभी 3 बजे मास्टर क्लास होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कंक्लूड करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जी हाँ बिल्कुल, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ। सारे बेहतरीन कोर्सेज इस समय गोइंग ऑन है, तो अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने इनके लिए एनरोल नहीं किया है दोस्तों, सो दिस इज द राइट और परफेक्ट टाइम टू एनरोल फॉर द कोर्सेज। तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दो, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट ये 100+ हो जाने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सो दैट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहाँ पर है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मिल जाएंगे आपके जो भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेस हैं सभी हाईएस्ट डिस्काउंट पर। तो अभी आपको आया कि 90% का डिस्काउंट, 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, एसएससी जेई के सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से एनरोल कर सकते हैं। बस जब पेमेंट करना हो तो अप्लाई कूपन कोड में जाना है, और ये जो कूपन कोड है यहाँ पर यूज करना होगा, दैट इज आर SHIVK, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट द डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कितने बजे, 3 बजे एप्लीकेशन पर, और 6 PM पर याद रखिएगा, 6 PM पर होने वाली है, 6 PM पर आपकी एक बेहतरीन क्लास। तो इस क्लास को जितने लोग याद रखिएगा, और ये क्लास एक बेहतरीन क्लास होगी आपकी रेलवे हिस्ट्री की, DFCCIL। थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।